जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र में बीती 23 अगस्त को एनएच 28 पर सुधा डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक व उनके चालक की हत्या एवं लूट मामले में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस हत्याकांड और लूट कांड के वांछित अभियुक्त एवं अन्य कई अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुफस्सिल थाना पर प्रेस को संबोधित करते हुए सदर डीएसपी प्रतीश कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि सुधा व्यवसाय हत्याकांड मामले में वांछित अभियुक्त राम कुमार सिंह उर्फ छोटू मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत करपुरी ग्राम में अपने मामा के घर आया हुआ है तथा अपने गिरोह के सरगना कुख्यात अपराधी मनीष कुमार सिंह के जेल जाने के बाद एक नया गिरोह बनाने का प्रयास कर रहा था। सूचना मिलते ही उनके नेतृत्व में गठित छापेमारी दल के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त वांछित अभियुक्त राम कुमार सिंह उर्फ छोटू को उसके मामा के करपुरी ग्राम स्थित घर के निकट छापेमारी करते हुए दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य दोनों साथियों की पहचान बिरजू सहनी इफ चुन्नू कुमार सिंह उर्फ ध्रुव कुमार के रूप में की गई है। इनके पास से हथियार व कारतूस भी बरामद हुई है। वहीं इस दौरान एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। राम कुमार सिंह उर्फ छोटू है, जो कि देसरी थाना क्षेत्र वैशाली का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी उसके दो साथियों चुन्नू कुमार और बिरजू सहनी के साथ हुए। उसके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये जो 23 तारीख को सुधा डिस्ट्रीब्यूटर की लूट की घटना हुई थी, लूट से हत्याकांड हुआ था, उसमें ये मुख्य शूटर था। घटना के बाद से फरार चल रहा था। ये रहने वाला सहदेव की वैशाली का है, लेकिन इसका घर नानी घर करपुरी ग्राम में है। वहीं से नानी घर से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों को अलग से आम सत्ता केस दर्ज करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही सुधा डिस्ट्रीब्यूटर हत्याकांड वाले में भी रिमांड किया जाएगा। सर, और भी किसी मामले में इस पर और भी कई केस है, जिसमें सहदेव ओपी क्षेत्र में एलएनटी फाइनेंस वाले को गोली मारकर लूट का घटना किया था, उसमें लाइनर का काम किया था। इसके अलावा सुजावलपुर सकरा मुजफ्फरपुर में एक सीएसपी की लूट हुई थी 25/8/21 को, उस घटना में भी इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।